गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच बन चुके हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बीते मंगलवार गंभीर के हेड कोच बनने का ऐलान किया था। राहुल द्रविड़ का कार्यकाल खत्म होने के बाद गंभीर को हेड कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई। गौतम गंभीर भारतीय टीम के हेड कोच तो बन गए हैं, लेकिन अपना मन माफिक कोचिंग स्टाफ नहीं चुन पा रहे हैं। कहा गया कि हेड कोच बनने के बाद गंभीर को फ्री हैंड दिया जाएगा, वे अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होंगे, लेकिन पदभार संभालने से पहले ही BCCI उन्हें दो झटके दे चुकी है। पहले बॉलिंग कोच के लिए आर विनय कुमार को नकार दिया गया, तो बाद में फिर फील्डिंग कोच के लिए जॉन्टी रोड्स को भी सिरे से खारिज कर दिया गया। वहीं द्रविड़ के साथ साथ उनके सपोर्ट स्टाफ यानी कि बैटिंग कोच विक्रम राठौर, बॉलिंग कोच पारस महाबरे और फील्डिंग कोच टी दिलीप की कार्यकाल भी समाप्त हो गया है। रिपोर्ट्स की अगर माने तो टी दिलीप फील्डिंग कोच बने रह सकते हैं, बाकी बैटिंग और बॉलिंग कोच का बदलना तय माना जा रहा है। वैसे तो BCCI हेड कोच को अपने सपोर्ट स्टाफ को चुनने का अधिकार पूरा देती है, लेकिन गंभीर के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। जाम रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि BCCI ने गौतम गंभीर की फील्डिंग कोच की डिमांड को भी निकाल दिया है। गंभीर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज जॉन्टी रोड्स को फील्डिंग कोच बनाना चाहते थे। हालांकि BCCI स्पोर्ट्स स्टाफ में किसी भी तरह के विदेशी कोच को शामिल नहीं करना चाहता है। बीते कई सालों से BCCI देसी कोच के साथ काम कर रही है। सोर्सेज ने यह भी बताया है कि जॉन्टी रोड्स के नाम को लेकर चर्चा जरूर हुई थी, लेकिन बोर्ड ने तय किया कि सभी सपोर्ट स्टाफ के मेंबर भारतीय होंगे। इससे एक बार फिर टी दिलीप के लिए दोबारा दरवाजे खुलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान शानदार काम किया था। पिछले कोचिंग स्टाफ में मेंबर का अगले हेड कोच के कार्यकाल में काम करना कोई नई बात नहीं है। बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने साल 2019 वनडे वर्ल्ड कप के बाद रवि शास्त्री के हेड कोच रहते हुए ज्वाइन किया था और फिर राहुल द्रविड़ के हेड कोच बनने के बाद भी वे बैटिंग कोच बने रहे। जहां गौतम गंभीर ने BCCI के सामने तीसरी डिमांड रख दी है। रिपोर्ट्स की अगर माने तो अब गौतम गंभीर साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मोने मोगल को भारत का बॉलिंग कोच बनाना चाहते हैं। मोगल के पास कोचिंग का लंबा अनुभव है। पिछले वनडे वर्ल्ड कप में वे पाकिस्तान टीम के कोच रहे थे, मगर टीम के खराब प्रदर्शन के बाद PCB ने उनका कार्यकाल खत्म कर दिया था। हालांकि इस बीच ये भी देखने वाली बात है कि एक तरफ तो गौतम गंभीर अक्सर टीम इंडिया की बात करते नजर आते हैं, देशभक्ति की बात करते नजर आते हैं, फिर वह टीम इंडिया के लिए फील्डिंग कोच विदेशी ही क्यों चाह रहे हैं। साथ ही ये भी देखना होगा कि क्या BCCI उनकी ये मांग मानती है या फिर नहीं। अभी गंभीर के सपोर्ट स्टाफ को लेकर किसी भी तरह कोई आधिकारिक जानकारी सामने निकल नहीं आई है। अब देखना यह है कि गौतम गंभीर के साथ सपोर्ट स्टाफ में कौन कौन नजर आता है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल ABP Live Premium।